आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच आज भारतीय स्वदेशी कांग्रेस यानी BSC पार्टी के संस्थापक संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिनमें पूनम गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता RKM राजू आदि लोग मौजूद रहे। वहीं देश के मुद्दों पर बात करते हुए भारतीय स्वदेशी के संस्थापक ने कहा कि हम 7 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, हमें ग्राउंड जीरो की पूरी खबर है कि देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, देश में महंगाई चरम पर है और केंद्र में इन मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए हमने ये ठाना है कि साल 2024 में चुनाव लड़के जनता के हित के सारे काम कराने हैं। वहीं पत्रकारों ने सवाल किया कि इतनी सारी पार्टियां मौजूद है, जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? तो उन्होंने कहा कि जनता ने अब तक जिन जिन पर भरोसा किया है उन लोगों ने सिर्फ छलने का काम किया। वहीं दिल्ली के CM केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि फ्री की लॉलीपॉप देकर लोगों को ठगने का काम कुछ नेता कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग रही है, आने वाले समय में इन नेताओं को जनता खुद जवाब देगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और रोजगार गारंटी विधेयक लगा करके देश को खुशहाल करें, और जो टैक्स हम लोग देते हैं उस टैक्स के बदले भारत देश की सरकार आपको उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था और उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था सभी का अधिकार के रूप में मिले, फ्री नहीं अधिकार के रूप में मिले, ये हमारी आकांक्षा है, इसके लिए हमने ये पार्टी बनाई है। और रोजगार गारंटी विधेयक लगेगा तो घर घर रोजगार पहुंचेगा, सबको नौकरी, सबको व्यापार करने का मौका मिलेगा, जो जो करना चाहेगा वो करेगा, सभी के लिए। जैसे पत्रकार भाइयों के लिए मैंने कहा कि 75 वर्षों में आपके लिए कोई बिल आया ही नहीं कि पत्रकार इतनी मेहनत करता है, चौथा स्तंभ है देश का, उसको किसी भी तरीके से आर्थिक ढांचा उसका कोई मजबूत है ही नहीं, 5,000-10,000 रुपए तनख्वाह देते हो उसमें कहीं घर चलता है क्या? है ड्राइवर को 25,000 रुपए मिल जाता है, 20,000-30,000-40,000 रुपए मिलता है। तो पत्रकार भाइयों को सभी का आर्थिक ढांचा मजबूत हो, किसानों को मजबूत किया जाए, उनके उनकी जमीनें हड़प करके नहीं, उनको राजनीतिक संरक्षण दे करके, उनको उनके किसानी की जमीन को औद्योगिकरण में बदल करके वहीं उनको उद्योग लगवाए जाए किसान की जमीन के ऊपर। ऐसे बहुत से विचार हैं जिनको हम कंप्लाइंसेस करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। सरकार जो नियति जनता के प्रति रखती है सरकार को वही नियत अपने प्रति भी रखनी पड़ेगी। जर्मा से जुर्माना लेते हो, जनता को जुर्माना नहीं दोगे, देना पड़ेगा, ये चाहती भारतीय स्वदेशी कांग्रेस।